हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गोविंद कुमार संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नए वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं पटवार की तैयारी तो यहाँ से आपको एक या दो नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके कम जो पटवार के सिलेबस में है उसमें कम से कम 30 नंबर की कंप्यूटर है, तो उसमें से आज जो हम वीडियो जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसे ही हर वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देर किए। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन सा कंप्यूटर किस क्षेत्र में उपयोगी होता है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा ये कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के वर्गीकरण को दो अलग अलग भागों से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि हम कंप्यूटर को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी वर्गीकरण की बात करें तो दो अलग अलग भागों में हम वर्गीकृत करेंगे, जिसमें हम एक तो कह सकते हैं आकार, भंडारण क्षमता, और प्रदर्शन। के आधार पर देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कंप्यूटर के अगर वर्गीकरण की बात करें तो एक तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों तरीका है वो है, यहां पे याद रखना है, ऑपरेटिंग थ्योरी या ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर अगर पूछे यहाँ पे याद रखना आपको हम कंप्यूटर को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि एक तो होगा इसका वर्गीकरण, वो वर्गीकरण होगा आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को हम डिवाइड करेंगे वर्गीकरण। और एक होता है दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। यानी आपको याद रखना है कि अगर कंप्यूटर के वर्गीकरण की कभी बात हो तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के वर्गीकरण को दो हम अलग अलग भागों में देख सकते हैं, जिसमें एक तो आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, और एक दोस्तों होता है आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पे हम इनको चार अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आपको दोस्तों याद रखना है कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर अगर देखें तो हम कंप्यूटर को यहाँ पे चार अलग अलग भागों में देखेंगे, जिसमें आपको याद रखना है पहला यहाँ पे माना जाएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, एक तो इसका माना जाएगा सुपर कंप्यूटर। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे मिनी कंप्यूटर, और चौथा जो कंप्यूटर का यहाँ पे वर्गीकरण आकार, भंडारण क्षमता के आधार पर होगा वो है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। यानी आपको याद रखना है कि अगर कंप्यूटर के अगर बात करें कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। यानी हम यहाँ पे देखेंगे आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को हम चार भागों में बांटेंगे, आपको मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और एक दोस्तों यहाँ पे होता है अगर ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें
ऐसे कंप्यूटर जिसके कार्य करने का तरीके अलग अलग होता है वो वाले कंप्यूटर आप इसकी श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तो होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा दोस्तों यहाँ पे होगा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा यहाँ पे होगा दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पर देखें तो कंप्यूटर के तीन अलग अलग प्रकार है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए दोस्तों हम एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण में सुपर कंप्यूटर का क्या रोल होता है उसको पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपने पूरा शॉर्ट टाइप से मैंने इसकी कंप्यूटर का वर्गीकरण यहाँ पे आपके सामने समझा दिया है कि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंप्यूटर को चार भागों में डिवाइड करेंगे और ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम कंप्यूटर को तीन अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है अब सबसे पहले हम एक एक को हम इसकी देखते हैं जिसमें हम आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे उसमें सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। यानी एक बार मैं पुनः यहाँ पे लिख देता हूं आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन, यानी उसके जो कार्य करने का प्रदर्शन कैसा है इसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को अगर देखेंगे तो यहां पे दोस्तों आपको याद रखना है यहां पे होगा सुपर कंप्यूटर पहला दोस्तों कौन सा होगा यहां पे सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर के उपयोग पूछे जा सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कौन सा, मतलब इसकी विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था ये पूछा जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि हम जो ये शॉर्ट टाइप में पढ़ते हैं ताकि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाए और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप पूरा यहाँ पे इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे तेज कंप्यूटर, यानी सभी कंप्यूटर को हम देखें तो इसमें सबसे तेज कंप्यूटर होता है, वेरी फास्ट कंप्यूटर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब इसकी कौन सा कंप्यूटर माना जाएगा वो होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे पहले क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि निम्न में से किसे सबसे तेज कंप्यूटर के रूप में देखा जा सकता है तो यहाँ पे कौन सा होगा सुपर कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पे सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सबसे तेज पूछा जा सकता है, सबसे शक्तिशाली पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन कैसे भी आपके सामने यहाँ पे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि सुपर की बात हो रही है तो सुपर के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली और विशाल कंप्यूटर होता है, इनके माध्यम से आप भूकंप की जानकारी ले सकते हो, मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हो, हथियारों का प्रशिक्षण कर सकते हो। यानी आप कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में जैसे मान लो इसरो की बात करें, नासा की बात करें तो वहां पे जो मतलब इसकी हथियारों का प्रशिक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा मान के चलो और आप देखें तो जो चंद्रमा के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है तो उनकी जो जो यहाँ पे उपग्रह वगैरह होते हैं उनकी जो पूरी हैंडलिंग होती है वो पूरी की पूरी सुपर कंप्यूटर के माध्यम से होती है। यानी आपको याद रखना है अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और भारत का भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो कौन सा होगा और यहाँ पे विश्व की बात करें तो कौन सा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है विश्व की बात करें तो यहाँ पे होगा दोस्तों CDC 7600। यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो CDC 7600 है इसको विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर माना जा सकता है और इसका दोस्तों उद्भव हुआ था 1900 के अंदर।
ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है, अगर भारत का पूछा जा सकता है तो भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कौन सा था, यहाँ पे आपको याद रखना है परम, कौन सा था यहाँ पे परम था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इसका पहले विश्व का पहले सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जा सकता है, कब विकास हुआ था ये पूछा जा सकता है, और भारत का कौन सा था पहला सुपर कंप्यूटर ये भी पूछा जा सकता है, सबसे तेज कंप्यूटर किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे भी बने आप यहाँ पे शॉर्ट इस वीडियो के माध्यम से पूरा यहाँ पे कवर कर सकते हो। अब कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका जो कार्य क्षेत्र होता है यानी इसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है ये भी आप एक बार देख लो। यहाँ पे दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उपयोग जैसे मौसम की भविष्यवाणी करना भी मैंने बताया था, हथियारों का परीक्षण करना, इसके अलावा जैसे संसार जो यहाँ पे बैठे बैठे तो दूर तक नजदीक को भी संसार करना है हमें, तो वो भी इसका सुपर कंप्यूटर का उपयोग होगा। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है इसमें जो पहला जो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा आकार भंडारण क्षमता इसके अंदर तो वो बनेगा सुपर का बनेगा, ठीक है दोस्तों। आप ये मतलब ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका ताकि मैं आगे बढ़ू और ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको इतना याद रखना है। एक दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखना है सीडीसी शासक उत्सव के अलावा देखो अगर यहाँ पे आपको अमेरिका का मतलब इसकी सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था दोस्तों आईबीएम सिक्योआवो, आईबीएम सिक्योआवो ऐसा मतलब इसकी एक नाम था प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया ये जो आईबीएम सिक्योआवो कंप्यूटर था इसका बिजनेस के क्षेत्र में सबसे पहले यूज हुआ था, एक सुपर कंप्यूटर के रूप में देखा जाए तो आपको याद रखना है कि आईबीएम वह सुपर कंप्यूटर है जिसका सर्वप्रथम बिजनेस के क्षेत्र में उपयोग किया गया। आज भी काफी मतलब इसकी प्रचलित है, आपको याद रखना है आईबीएम जो लिखा हुआ है आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी आपको यहां से ही पता लगाना है कि बिजनेस के क्षेत्र में यूज होने वाला अगर सुपर कंप्यूटर कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है वो कौन सा होगा, आईबीएम होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है अगर आकार भंडारण क्षमता प्रदर्शन के आधार पर दूसरा हम देखें तो यहाँ पे एक होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, नोट डाउन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मेनफ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो मेनफ्रेम कंप्यूटर भी शक्तिशाली कंप्यूटर के अंदर ही आएंगे। आपको याद रखना है कि हालांकि सुपर के जितने शक्तिशाली तो नहीं होते हैं लेकिन इनका उपयोग भी बड़े बड़े व्यवसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए काम में लिया जाता है। अगर बात मानते चले इसका क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कंप्यूटर कौन सा सबसे महंगे सा होता है, तो आपको याद रखना है मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये महंगे कंप्यूटर के रूप में देखे जा सकते हैं। इनका उपयोग भी आपको याद रखना है कि बड़े बड़े व्यवसायिक कार्यों को पूरा करने के लिए काम में लिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे हम देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर एक्चुअली नाम तो इसका मिनी है ना, जैसे मिनी का मतलब छोटे रूप में हम देख सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि जो आज भी टाइम में जो उपयोग में हो रहे जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप है और भी अन्य मोबाइल डिवाइस वगैरह ये माइक्रो कंप्यूटर के भाग होते तो उनसे तो ये काफी शक्तिशाली के अंदर देखे जाएंगे यानी शक्तिशाली कंप्यूटर माने जाएंगे मिनी कंप्यूटर भी। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे एक इसका उदाहरण कई बार इसका पूछा गया है कि 202 के 202 SDS 92 इनके सबसे ज्यादा उदाहरण पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि के 202 SDS 92 ये जो प्रसिद्ध कंप्यूटर हैं वो सारे मतलब इसकी मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जिस प्रकार IBM सिक्योआवो है परम है सीडीसी 6600 है ये सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है, इसी प्रकार आपको याद रखना है कि 202 और SDS 92 किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है,
ठीक है दोस्तों। अब आपको याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग भी छोटे बड़े व्यवसाय को पूरा करने के लिए काम में लिया जाता है। हालांकि सुपर के समान शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन ये भी एक शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सुपर कंप्यूटर से ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर वो होता है, उनका उपयोग भी काफी ज्यादा मतलब इसकी मात्रा में इसके बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है, इनका अगर आप नाम याद रखो तो भी काफी है, उसकी मेनफ्रेम है, मिनी है, माइक्रो है, लेकिन क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, वो बन सकता है सुपर कंप्यूटर के अंदर से। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे मतलब इसके अंदर स्वतः मतलब इसकी बात माना जाएगा वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर होता है, माइक्रो का मीन्स जैसे आप देख सकते हैं ज्यादा सूक्ष्म कंप्यूटर है, छोटे कंप्यूटर को आप देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि आज के टाइम में जो यूज होने वाले लैपटॉप है, पीसी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मोबाइल है, यानी जो आज के टाइम में जो उपयोग कर रहे हैं आप बहुत अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर, वो सारे के सारे इस माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण माने जाएंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर का प्रकार है, तो वहां पे आपको याद रखना है सबसे जो अधिक जो चलने वाला है, सबसे ज्यादा जिसके यूजर है वो कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है माइक्रो का, सबसे सस्ता कंप्यूटर कौन सा है, सबसे महंगा तो कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर होगा, सबसे शक्तिशाली सुपर होगा, लेकिन सबसे सस्ते की बात की जाए तो आपको याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला कंप्यूटर पूछा जाए तो भी माइक्रो कंप्यूटर याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना है कि ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पीसी है, मोबाइल है, नोटबुक है, टैबलेट है, काफी सारे जो आज के टाइम उपयोग कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में, ये सारे के सारे कंप्यूटर मतलब इसकी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण ही माने जा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये हालांकि मतलब इसकी आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, इसके अंदर स्टोरेज करने की कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है, इसका प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इनको सभी एक श्रेणी में देखेंगे कि यहाँ पे आकार इनका छोटा बड़ा हो सकता है, भंडारण क्षमता अलग अलग हो सकती है, प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कार्य करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को चार भागों में बांटेंगे और हमने अभी इसको पूरा कर लिया है, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट मतलब इसकी कंप्यूटर के वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं। अगर आप मतलब इसकी यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब इसकी नेक्स्ट कंप्यूटर क्या हो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर देखे, यानी आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर देखें ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार यहां पे आपको याद रखना है तीन माने जाएंगे। यहां पे दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिद्धांतों के अंदर आप देखेंगे तो यहां पे आप कंप्यूटर को तीन अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक तो होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होगा यहां पे डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा यहां पे माना जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, तो यहां पे आपको याद रखना है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग थ्योरी क्या होती है, ऑपरेटिंग सिद्धांत क्या होते हैं, लेकिन उनका तो आपने मतलब इसकी देख लिया कि यहाँ पे आकार छोटा बड़ा हो सकता है, उनके कार्य करने का प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिद्धांत क्या होता है इसके आप मतलब इसकी देखो, इसका आप थोड़ा बहुत देख लो। आपको याद रखना है कि वे कंप्यूटर जिनके कार्य करने का तरीके पूरा अलग अलग हो, जैसे मान के चलो उनका एक कंपन एक ही कार्य होता है, समझ में, जैसे उनका ऑपरेटिंग जो करने का जो सिद्धांत है वो एक ही होता है, या तो किसी मापन प्रक्रिया को पूरा करेगा या ऐसा कंप्यूटर को गणना को पूरा करेगा, तो ऐसे कंप्यूटर आप देखेंगे उनको ऑपरेटिंग थ्योरी के अंदर देखेंगे। आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब जैसे कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो मापन प्रक्रिया को पूरा करता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो मापन प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य करता है, तो यहां पे दोस्तों आपको याद रखना है वो कंप्यूटर माना जाएगा एनालॉग।
अब मापन प्रक्रिया कौन सी? देखिए दोस्तों, जैसे कि लाइट के अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है वो भी मापन प्रक्रिया होगी। आप मान के चलो इसकी जो ब्लड प्रेशर चेक करने का जो मशीन होता है, जिसको बीपी बोला जा सकता है, बीपी को चेक करने वाला मशीन होता है, वो भी हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको मापने का कार्य करता है, उसका पता लगाने का कार्य करता है। अगर मान के चलो हमारे हृदय की धड़कन के बारे में पता लगाना है कि हमारा जो हार्ट है कितनी बार धड़क रहा है, तो कहने का मतलब आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे किसी न किसी प्रकार का मापन हो रहा है, तो वो सारे के सारे कंप्यूटर यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर के श्रेणी में आएंगे। जैसे लाइट को चेक कर मेंटेन करने वाला स्टेबलाइजर, उसमें क्या दिखाई देता है आपको? लाइट की वोल्टेज का पता लग जाएगा कि वोल्टेज कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। यानी वहां पे जो यहाँ पे स्विच लगी होती है, वो जो बड़ी प्लेट लगी होती है, वो आपको एनालॉग कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपको देखनी है। अगर बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भी प्रकार की गणना पढ़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? गणना करना। ईवीएम मशीन इसका सबसे बेस्ट उदाहरण आप दे सकते हो। यानी जो गणना करने वाले जो सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर के रूप में देखा जा सकता है। पेट्रोल पंप पे लगने वाला जो मशीन होता है उसमें भी गणना होती है। आप यहाँ पे ईवीएम मशीन को देख सकते हैं। यानी वे कंप्यूटर जहाँ पे किसी भी प्रकार की काउंटिंग हो रही है, कोई गणना हो रही है, तो वो सारे के सारे कंप्यूटर यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि निम्न में से वह कौन सा कंप्यूटर जो मापन प्रक्रिया और गणना करना दोनों का कार्य कर सकता है? तो वहां पे आपको याद रखना है वो कंप्यूटर होगा यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के यहाँ पे इसका कार्य होता है। जैसे आप मानेंगे एनालॉग प्लस डिजिटल इन दोनों के कार्य को करने में सक्षम है, और वो कंप्यूटर आपको यहाँ पे याद रखना है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो मापन प्रक्रिया को भी पूरा करेगा और गणना दोनों को करने में सक्षम होगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज देखिए दोस्तों, हमने कंप्यूटर के वर्गीकरण को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा है, और इसमें जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। या तो ये बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, तो आपको याद रखना 3 प्रकार होते हैं, और आकार भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, जिसको हमने आगे पढ़ लिया है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो। तो सभी दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हम मलेशिया मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।